السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم इंसाफ ज़माने से या रब मिटा जाता इंसाफ ज़माने से या रब मिटा जाता दुनिया को उमर जैसे आदिल की ज़रूरत है दोस्तों इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने मानने वालों को ज़िंदगी के हर शोबे में इंसाफ की ताकद करता है और मुशरे में इंसाफ नाफ करने की हिदायत देता है वह सही मानों में आलम इंसानियत को अमन वाशती और इंसाफ सलामती का गहवारा देखना चाहता है इस्लाम मगरबी पॉलिसी की अक्सर नकीर करता है जो एक तरफ हकूक़ इंसानी अपने आलम और इंसाफ मसावत का नारा लगाते हैं तो दूसरी तरफ ज़मीन पर इंसानी हकूक़ के पामाली करके जुल्म बरबरीत किश्त खून का खेल खेलते हैं मुदरम साम इस्लाम ने इंसाफ का जो तस्वूर पेश किया है वह महदूद माना में किसी माशी अदल का नाम नहीं जैसा निजाम अश्तराकियत का नाम मसाम रख दिया गया हो इस्लाम का निज़ाम अदल एक हमागीर और जाम इंसानी अदल है ज़िंदगी के तमाम मज़ाहिर और हर तरह की सरगर्मियाँ उसके दायरे में दाखिल हैं वो विक्रमल और, और ज़मीन वजदान पर छाया हुआ है वो मादी मानवी अखलाक़ी और रूहानी इकदार के खुशगवार इम्तज़ाज का नाम है मुहरम साम इस दुनिया की नजात तवाजुन पर कायम है जब ये तवाजुन ख़त्म होता है और इस व तो होती है तो रुए ज़मीन में फसाद रोनुमा होते हैं आसमान से लेकर ज़मीन तक एक एक जर्रा तोज़ुन के तराजु में टिका हुआ है केमिस्ट्री कैमस्ट्री औरफ़रक का वाकफ़ उस तराजु को अपनी आँखों से देखता है जिस तरह इस मादगी दुनिया में तोज़ुन कायम है इस तरह रूहानी और अखराकी दुनिया में तोज़ुन की ज़रूरत पड़ती है इसी का नाम हक और आदल है जो इस्लाम ने इबादत में अखलाक मामला में मुतन करके आलम इंसानियत को एक अजीम तोहफा दिया

अमन आलम इस्लाम के इसी निज़ाम में से क़ायम हो सकता है अगर ये ना हो तो निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाए जैसा कि आज देखने में आ रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है लदरसल ना रसुलना बिलबैना तिबान जल्ण माहकिताबालमीज़ान लियुम इस सब से मालूम हुआ कि इस दुनिया में अम्बिया की तशरीफ़ आवरी और उनको मोजात किताबात अल्लाह की तरफ से दिए जाने का मकसद दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करना था दोस्तों तारीख़ शाहिद है जब इस्लाम का निज़ाम दुनिया पर नाफिज हुआ तो दुनिया बुक आए नूर बन गई तारीखियों में भटकी इंसानियत को सीधी राह मिली तम के बंतन टूट गए अदलो कायम हुआ दम तोड़ते हुए इंसानियत को नई ज़िंदगी मिली लोगों को इंसाफ की फिजा में सांस लेने का मौका मिला और तारीख ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी नोट किए कि अगर मोहम्मद की बेटी फातमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दिए जाएं हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्ला जिनके सामने शहरा आफाक नौशेरवा के किस्से भी मान पड़ जाते हैं और अपनी चमक खो देते हैं ये दीन इस्लाम की देन थी कि इस्लामी सल्तनत के फरमा हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला <laughs> बैजुलमाल खलीफा और उसके औलाद की जागी हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्ला जिनके सामने नौशरवा के किसी भी मान पड़ जाते हैं और अपनी चमक खो देते हैं कि जिन्हें इस्लाम की दिन थी कि इस्लामी सल्तनत के फरमा रवा हजरत गुमर फ़ारूक़ रजी अल्लाह अपने बेटे से कहते हैं कि अः अब्दुल्ला बैतुलमाल खलीफ़े और उसके औलाद की जागीर नहीं जो मुसलमानों की मिल्कियत है खुदा की कसम तुमको एक दाना भी तुम्हारे हक़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा आज दुनिया का कोई बादशाह कोई सदर ममलिकत किसी मुल्क का वजीर आजम, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर किसी ज़िले का कलेक्टर अदलो और मसावत तो बराबरी का ऐसा नमूना पेश कर सकता है आज दुनिया में हर तरफ़ इल्म इल्माफत तालीम का चर्चा है साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ने की धुन सवार है इंसान चांद पर कमंदर डालने का दावा कर चुका है और उससे आगे के सैरों तक पहुंचने की धुन में लगा हुआ है मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए सारी दुनिया को अपनी उंगली से मुसखर करने का दावा कर रहा है लेकिन इंसान का दिल सुकून चैन अमन व अमान की कीमती दौलत से महरूम है क्यों क्योंकि अदलो इंसाफ मफकूद है मतलब परस्त इंसानों के बनाए हुए नाम निहाद, अदल के दावों से लोग उकता कर अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम अदल के आज भी तलबगार हैं इंसाफ ज़माने से या रब के मिटा जाता इंसाफ़ ज़माने से या रब मिटा जाता दुनिया को उमर जैसे आदिल की ज़रूरत है वाखिरहदिल्लाबिलमी